कहा जब जब इंसान के पास पैसा आता है, जब जब इंसान पैसे के करीब आता है, जब जब इंसान धनवान बनता है, जब जब उसके जीवन में धन संपत्ति का आवागमन होता है, तो तीन चीजें पैसे के साथ में जरूर आता है। समझ लेना, आप भी अपने जीवन की तुलना कर लेना, आप भी अपने जीवन को देख लेना, आप भी अपने जीवन को निहार लेना कि जब जब पैसा आया तो क्या ये तीन चीजें पैसे के साथ में आई। जब जब धन आपके जीवन में आता है, पहले आप सामान्य थे, अब आप सुखी संपन्न हो गए। पहले आपके भोजन की प्रबंध नहीं हो सकता था, आज आपके घर में अन्न के भंडार भरे हुए हैं। पहले आपके पास बैंक बैलेंस के नाम पर कुछ नहीं था, बचत के नाम पर कुछ नहीं था, मूड़ी के नाम पर कुछ नहीं था, आज आपके पास करोड़ रुपया का बैंक बैलेंस हो गया। पहले आपका छोटा सा घर था, आज आपका बड़ा मकान बन गया, बड़ी कोठी बन गई। लेकिन तब एक बार जरूर चेक कर लेना कि जब जब जीवन में पैसा आता है तो 99.99% ये तीन चीजों को साथ में जरूर लेकर के आता है। सबसे पहले नंबर में आकांक्षा, जितना पैसा बढ़ता है उतनी इच्छाएं बढ़ती जाती है। पैसा बढ़ने से इच्छाएं कम नहीं होती, हम इच्छाओं को परिपूर्ण करने के लिए पैसे कमाते हैं, इच्छाओं को पूरी करने के लिए पैसे के पीछे भागते हैं। लेकिन शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि दुनिया में 99.99% लोगों के साथ ये होता चला आया है, और आपके साथ भी यदि ये हो रहा है तो समझ जाना पैसा तीन चीजें लेकर के आता है। सबसे पहले नंबर में आकांक्षा, इच्छाएं बढ़ जाती है। दूसरे नंबर में आसक्ति, अटैचमेंट बढ़ जाता है, धन के प्रति आपकी आसक्ति बढ़ जाती है। जितना मिलते जाता है उतना और आपका एक अटैचमेंट बढ़ जाता है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। आदमी सुबह से शाम तक मेरा 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 करते रहता है, आदमी से सुबह शाम तक मेरा मेरा करते अपने जीवन को खत्म कर देता है। और इसीलिए मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, समझ लेना, जीवन में जब जब भी पैसा आता है तीन चीजों को लेकर के आता है। सबसे पहले नंबर में आकांक्षा, दूसरे नंबर में आसक्ति, एक जुड़ाव। जिब में से एक पेन भी चली जाती है तो भी मन दुखता है कि मेरी पेन गुम हो गई। समझ लेना, इतनी आसक्ति हमारी बढ़ जाती है। पहले का एक समय शायद आपको पता हो, आज से 30, 40, 50 साल पहले मेरा शब्द का उपयोग नहीं होता था, हमारा शब्द का उपयोग होता था। ये घर किसका है? हमारा है। ये गाड़ी किसकी है? हमारी है। ये घर में टेलीफोन किसका है? हमारा है। और आज हमारा शब्द चला गया और क्या आ गया? मेरा। ये घर किसका है? मेरा है। ये मोबाइल किसका है? मेरा है। ये गाड़ी किसकी है? मेरी है। समझना, जब जब पैसे बढ़ते हैं तीन चीजें पैसे जरूर जीवन में लेकर के आता है। दुनिया में 99% लोगों के साथ ये घटित होता है। आकांक्षा बढ़ जाती है, आसक्ति बढ़ जाती है, और तीसरे नंबर में अहंकार बढ़ जाता है। ये पैसे का कमाल है, देख लेना। जैसा ही आदमी के पास धन आता है, आदमी 2 फुट ऊपर जमीन में चलने लगता है। उसको लगता है कि मैं ही सिकंदर हूं, मैं ही शहंशाह हूं, मैं ही बादशाह हूं, मैं ही राजा हूं। उसको पता नहीं है कि कितने आए कितने चले गए, संसार में किसी की गिनती नहीं है। लेकिन फिर भी आदमी अहंकार में रहता है, मुझे लोग पूछने चाहिए, मेरा नाम लिया जाना चाहिए, मेरे साथ अच्छा बर्ताव होना चाहिए, संघ समाज के प्रतिष्ठित लोगों में मेरी गिनती होनी चाहिए,
और इसीलिए शास्त्रकार भगवंतों ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि दुनिया में 99% लोगों के साथ ये घटित होता है। जब जब पैसा आता है तीन चीजें लेकर के आता है, सबसे पहले नंबर में आकांक्षा, आपकी इच्छाएं बढ़ती जाती है, दूसरे नंबर में आसक्ति, आपका अटैचमेंट बढ़ते जाता है, और तीसरे नंबर में अहंकार, आपका ईगो बढ़ता जाता है। और दूसरी बात भी शास्त्रकार भगवंत ने करी, पैसा आने से तीन चीजें आती है और पैसा आने से तीन चीजें चली जाती है। ये तो आवागमन होता है, ये तीन चीजों का तो आगमन होता है, ये तीन चीजें आपके जीवन में आती है, लेकिन पैसा आने से कौन सी तीन चीजें चली जाती है वो भी जरा समझ लीजिए। एक चीज समझ लेना, बड़ा होने के बाद जीवन को बड़ा जागृति पूर्वक रखना पड़ता, और इसलिए हमारे यहां कहा गया कि ऐसे बड़े भी क्या काम के जो दूसरों के काम ना आए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंखी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। का ऐसा बड़ा होकर के फायदा क्या है, एक पंखी को हम छाया ना दे पाए, एक हमारे आंगन में आए हुए का हम भला ना कर पाए, ऐसा बड़ा बन के हमें मिला क्या। और इसीलिए शास्त्रकार भगवत ने कहा कि तीन चीजों तो पैसों के साथ आती है, लेकिन तीन चीजें पैसे के साथ चली भी जाती है। कहा कौन सी तीन चीजें चली जाती है, कहा सबसे पहले नंबर में परमात्मा चले जाते हैं, यानी कि धर्म जीवन में कम हो जाता है। जब जब जीवन में पैसे का आगमन आपके हुआ है, आप देख लेना, अपने जीवन को देख लेना, दूसरों के जीवन को देख लेना, आपको पता चल जाएगा जब पैसा नहीं था तो शायद तीन टाइम परमात्मा के दर्शन करने जाता था, और अब पैसा आ गया है तो एक टाइम जाने का भी समय नहीं है। पैसा नहीं था तो घर में बैठ करके पांच माला गिन लेता था, आज पैसा आ गया है एक माला गिनने का भी समय नहीं। और इसलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं, समझ लेना, पैसा तीन चीजों को लेकर के आता है और पैसे के आने से तीन चीजें चली जाती है। सबसे पहले नंबर में परमात्मा, परमात्मा यानी कि धर्म आपके जीवन से कम होता जाता है। दुनिया में 99% लोगों के साथ ये घटित होता है, इसमें हमारा नंबर न लगे, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। पैसा आता है, परमात्मा चले जाता, दूसरे नंबर में पैसा आता है, प्रेम चला जाता है। कहा जिस जिसके जीवन में पैसा आता है उसका बिहेवियर आप देखो, आपको पता चलेगा कि संवेदना, फीलिंग्स, प्रेम जैसा उसके जीवन में कुछ है नहीं। वो निष्ठुर हो जाते हैं, उनका हृदय पत्थर का बन जाता है, किसी को भी दुख देने के लिए वो सोचते नहीं है, खुद के फायदे के लिए दूसरों का नुकसान करने के लिए भी वो सोचते नहीं है। मुझे मुनाफा हो रहा है, सामने वाला छोटा व्यापारी मर जाएगा, उनको कोई पड़ी नहीं है। और इसलिए शास्त्रकार भगवंतों ने कहा कि दुनिया में 99% लोगों के साथ ये घटित होता है, पैसा जीवन में आता है, परमात्मा यानी कि धर्म निकल जाता है, दूसरे नंबर में प्रेम निकल जाता है। अरे कहा बड़ा तो कैसा बड़ा हो, जीवन में हम बड़े बने तो कैसे बने। कहा खजूर जैसे बड़े नहीं बनना, हीरे जैसा बड़ा बनना। और इसीलिए कहा कि बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे, लाख हमारो मोल। कहा ऐसा बड़ा बनना, हम खुद हमारी बड़ाई करे, ये बड़प्पन कुछ काम का नहीं है। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, समझ लेना, जब जब पैसे जीवन में आते हैं, परमात्मा दूसरे दौर से निकल जाते हैं, प्रेम दूसरे दरवाजे से निकल जाता है, और तीसरे नंबर में डिस्कनेक्ट आप होते हो तो परिवार से डिस्कनेक्ट होते हो, परमात्मा छूट जाते हैं, प्रेम छूट जाता है और परिवार भी छूट जाता है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आपको ये नहीं बताना चाहता कि पैसे नहीं कमाने, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूं कि पैसे कमाते कमाते ये तीन चीजें हमारे भीतर न आ जाए, उसकी जरूर जागृति रखना, और पैसे कमाते कमाते ये तीन चीजें हमारे भीतर से चली ना जाए, उसकी जागृति रखना।
गलत अर्थ घटन मत करना। मैं नहीं कहता कि पैसे नहीं कमाना, लेकिन पैसा के साथ में यदि आकांक्षा हमारी बढ़ती है, आकांक्षा को रोकना। पैसे के साथ में यदि हमारा अटैचमेंट ज्यादा, आसक्ति ज्यादा बढ़ते जाती है, उसको रोकना। और पैसे के साथ में यदि हमारा अहंकार बढ़ता जाता है, उसको रोकना। हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में बड़ी अच्छी बात लिखी गई है कि समझ लेना भैया, पेड़ के ऊपर जब फल लगते हैं तो पेड़ ऊंचा नहीं होता लेकिन झुक जाता है। आपने देखा होगा आम से लदा हुआ पेड़ हो, वो इतना झुक जाता है कि छोटा सा बालक भी आम ले पाता है। जितने फल ज्यादा आते हैं उतना ज्यादा झुकते जाता है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, पैसा जीवन में जितना ज्यादा आए इतना ज्यादा नम्र बनने की कोशिश करना। ऐसा न बनना कि बड़ा आदमी भी आप तक न पहुंच पाए। जीवन में बनना हो तो ऐसा बनना। हमने गुरुदेव प्रेम श्रीश्वर जी महाराज साहब को देखा है, जीवन में इतने बड़े तपागच्छाधिपति थे, 14,000 साधु साध्वी जी भगवंतों के नायक थे, लेकिन फिर भी छोटा सा बालक आकर के भी उनके साथ बात कर सकता। ध्यान रखना पैसे के साथ में आकांक्षा, आसक्ति, अहंकार न आ जाए। और ये भी जरूर ध्यान रखना कि पैसे आते ही आपके जीवन से परमात्मा, प्रेम और परिवार डिस्कनेक्ट न हो जाए, तभी आपके लिए ये पैसे काम आएंगे। प्रेम, भक्ति, आराधना, प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।